हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 की तैयारी कर रहे हैं। गेट वो जरूर देंगे लेकिन जिनका मेन फोकस है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019। यूपीएससी ने अपना कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है और इंजीनियरिंग सर्विसेज की डेट्स आ गई है। तो फर्स्ट डेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन की डेट है 26 सितंबर और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 22 अक्टूबर। और सेकंड इम्पॉर्टेंट डेट वो है मेंस का जो कि आई है 30 जून। अप्रोक्सली आप देखें तो इसमें 6 मंथ का टाइम है आपके पास। आज दोस्तों जब मैं 1 जुलाई को ये वीडियो डाल रहा हूँ तब से लेके 6 जनवरी तक भी आपके पास 6 मंथ हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले प्री की बात करते हैं क्योंकि जो लोग प्री क्लियर करेंगे उन्हीं को मेंस देने का मौका मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट जिनसे मैं मिलता हूं वो ये बोलते हैं कि सर अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी तो बाद में कर लेंगे। वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दिस इज ए रॉन्ग अप्रोच। द फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद आपके पास 6 महीने मिलेंगे और 6 महीने सफिशियंट हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से कर लिया है। तो इस बिल्कुल गलत ख्याल में मत रहिए कि पहले मेंस की तैयारी कर लेते हैं। 6 महीने बहुत होते हैं मेंस की तैयारी के लिए। आप लोग बिल्कुल गलती ना करें जैसा कि फुटबॉल में अभी जर्मनी ने की। वो लोग सेमीफाइनल की तैयारी कर रहे थे और वो टॉप 16 में भी नहीं पहुंच सके। सिमिलरली कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेंस की तैयारी करें और आपका प्री क्लियर ना हो। तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए पहले प्री क्लियर करने का और उसके बाद मेंस के लिए 6 महीने बहुत हैं दोस्तों क्लियर करने के लिए। तो ये प्लान क्या होना चाहिए इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप 6 मंथ्स को देखें तो आई विल से इट इज 180 डेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट रादर देन सेइंग कि 6 महीने हैं। 180 दिन ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं विच इज अ गुड टाइम फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इतना इजी भी नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। इट इज़ ए लाइफ टर्निंग एग्ज़ाम, ये पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टोटल देखें तो आपको अप्रोक्सली 1500 से 1800 घंटे की तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं 1 जुलाई से लेके 6 जनवरी तक। अब इस टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट जनरल स्टडीज के लिए और दूसरा पार्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका सब्जेक्ट है। इसके मार्क्स 300 हैं और इसके मार्क्स 200 है। ऑन एन एवरेज देखा गया है दोस्तों कि 250 से 300 मार्क्स में आप कंफर्टेबली प्री क्लियर भी कर सकते हैं और मेंस में भी फिर आपको अपर हैंड मिलेगा। तो 250 से 300 का आप टारगेट रखिए। 180 डेज आपके पास हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो 1500 से 1800 आवर्स तक आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। अभी भी आपका टारगेट है 250 से 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो जनरल स्टडीज में टारगेट रखिए 80-100 का और सिविल इंजीनियरिंग में आप टारगेट रखिए अप्रोक्सली 180-220 का। दिस शुड बी योर टारगेट। यह आपका टारगेट रहना चाहिए फॉर द प्री। अब आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है, आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में टाइम भी डिवाइड करना है। आप करीब 30% टाइम अपना जनरल स्टडीज को दीजिए और 70% टाइम सिविल इंजीनियरिंग को दीजिए। डिवाइड द टाइम एवरी डे इन द सेम पैटर्न। जनरल स्टडीज में जो आप ज़्यादा पढ़िए मैं आपको एडवाइस करूँगा मैक्स पढ़िए, एप्टीट्यूड पढ़िए, देन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िए, मटेरियल साइंस पढ़िए और क्वालिटी पढ़िए। ये 5 चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 5 का अभी तक का जो वेटेज देखा गया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2 सालों से ही जनरल स्टडीज का पेपर आ रहा है तो इनका वेटेज अच्छा खासा रहता है और ये आगे भी रहेगा ऐसी मेरी संभावना है। तो
आप इन पांच टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, ये दोनों आपको मैक्स और एप्टीट्यूट आपको गेट में भी हेल्प करेंगे। तीन टॉपिक आपको नए पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मटेरियल साइंस एंड क्वालिटी। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, तो पहले आप सॉइल पढ़िए, एफएम पढ़िए, स्ट्रक्चर में आप सोम पढ़िए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़िए एंड आरसीसी पढ़िए। ये पांच चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं, हाईवे देख सकते हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स। इनमें आप अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि अगर इनका वेटेज देखें तो आपको 182-220 का वेटेज यहीं पे मिल जाता है। पहला फोकस, आपकी तैयारी 1500 से 1800 घंटे हो जाए, उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, 30 एंड 70। 30% में इन पांचों को पढ़िए और 70% में आप इनको पढ़ने पे ज़्यादा वेटेज दें। कोशिश करें कि लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रेकॉन आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, आप कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं रेकॉन का, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप रात को भी 1 बजे अपनी क्लास लगा सकते हैं, सिर्फ आपको लैपटॉप चालू करना है और वीडियो देखना है। हम लोग आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ाते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप के सामने कभी भी पढ़ सकते हैं, रात के 2 बजे भी आप अपनी क्लास लगा के पढ़ सकते हैं। दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विच यू कैन गेन बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारे वीडियोस डाउनलोड होते हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपने पास अपने हिसाब से देख के तैयारी कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आप लोगों को दोस्तों 1800 आवर्स तो अब निकालने ही होंगे। दोस्तों ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, दिस इज ए लाइफ टर्निंग एग्जाम। प्लीज फोकस योरसेल्फ, सारी चीजों को एक तरफ कर दीजिए और सिर्फ इन 1800 घंटों पे कंसंट्रेट करिए। मैं एक ब्रेकअप और आपको दे दूं, डू नॉट टेक कोचिंग मोर देन 3 आवर्स अ डे। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा कोचिंग का पार्ट ले रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने शरीर को थका दे रहे हैं। 3 घंटे से ज़्यादा ना वीडियो देखिए, और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा कोचिंग मत करिए, 7 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दीजिए। 7 घंटे में भी मैं आपको अगर ब्रेकअप दूं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन और दूसरे नए टॉपिक के नोट्स। ये दो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री क्लियर करने में। एक बार प्री का एग्ज़ाम हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप 250 से 300 नंबर लाएंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी करिए। दिस इज पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका वो डाउट क्लियर करने की। विद डैट, थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग योर इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ।